आदिल खान दुर्रानी और राखी सावंत के विवाद में अब अलग अलग मोड़ आने शुरू हो चुके हैं, जहां एक ओर आदिल खान दुर्रानी ने राखी सावंत के खिलाफ कई बिजनेसमैन को खड़े किए थे, तो वहीं अब राखी सावंत ने भी कई ऐसे लोगों को आदिल खान दुर्रानी के खिलाफ खड़ा किया है जो कि अब आदिल के खिलाफ सबूत पेश करेंगे। दोनों के ही पास एक दूसरे के खिलाफ सबूत हैं। यहाँ राखी सावंत ने दावा किया है कि आदिल खान दुर्रानी ने जिस जिस के साथ निकाह किया और जिन जिन का शोषण किया है, वो तमाम लोग अब राखी के सपोर्ट में आ रहे हैं और जल्द ही वो मीडिया के सामने भी आएंगे। एक नए इंटरव्यू के दौरान राखी सावंत ने ये सारी बातें कही और साथ ही बताया कि उनके पास कौन कौन से सबूत हैं। आदिल खान दुर्रानी के खिलाफ जो भी सबूत राखी सावंत ने दिखाए, इन सबूतों को देखने के बाद आदिल खान पर शक और भी ज़्यादा गहराता जा रहा है। राखी सावंत ने ये भी बताया कि कैसे आदिल खान दुर्रानी जेल जाने के लिए अब तैयार होने वाला है। राखी सावंत की माने तो आदिल खान दुर्रानी हाल में ही पुलिस स्टेशन गया था राखी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए। ऐसे में जब उससे सबूत मांगे गए तो सारे सबूत गलत साबित हुए। ऐसे में राखी का दावा है कि वो जल्द ही अब ना केवल पुलिस स्टेशन बल्कि कोर्ट में आदिल खान को बेनकाब करेगी। खास बात यह है कि जिस दोस्त के जरिए राखी और आदिल एक आए, यानी कि शैली ओबेरॉय, वो भी अब राखी के सपोर्ट में आ चुकी है और शैली ओबेरॉय ने एक से बढ़कर एक दावे आदिल खान दुर्रानी के खिलाफ किए हैं। यानी कि यहाँ जाए कोर राशि आदिल खान से दोस्ती कर बैठी है, अपनी राखी से 8 साल पुरानी दोस्ती को तोड़ करके वो आदिल खान का साथ दे रही है। वैसे ही शैली ओबेरॉय ने यहाँ पर अब राखी सावंत का साथ दिया है और राखी सावंत का साथ देने के अलावा उन्होंने आदिल खान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। धोखेबाजी के आरोप हैं तो वहीं यौन शोषण और साथ ही दुष्कर्म के आरोप भी लगाए हैं। कई महिलाओं के साथ आदिल खान दुर्रानी ने दुष्कर्म किए हैं, हालांकि वो सामने नहीं आ रही, लेकिन जल्द ही इससे जुड़े कई वो दस्तावेज पेश करने वाली हैं।